लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। कुछ शातिर किस्म के लोग आईडी हैक कर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो कुछ लोग डोनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, जिस पर पुलिस का पूरा ध्यान है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, लॉकडाउन चल रहा है करीबन, देखा जाए तो 25 दिन आ गए या 25 दिन, इसको लेकर के साइबर क्राइम बढ़ने की बात हो रही है, तो क्या इससे कोई कार्रवाई हो रही है या कोई क्या रणनीति है? लॉकडाउन पिछले गोरखपुर में तो 3 दिन पहले से ही लागू हो गया था और 22 तारीख से लगातार सक्सेसफुली चल रहा है और यहाँ पर इस तरह की कोई खास बात नहीं आई है, लेकिन सुनने में आया है कि बहुत सारे साइबर गैंग सक्रिय हो गए हैं जो फर्जी आईडी बना करके लोगों से चंदा वसूलने की बात हो रही है। यहाँ तक कि हमारे पास एक केस आया जिसमें उसने ऑनलाइन और होम डिलीवरी शराब की करने की बात करके पैसा वसूल लिया और साथ ही साथ इसमें साइबर फ्रॉड्स में एक दूसरे की मदद के नाम पर कोई किसी का अकाउंट हैक करके 10,000 रुपये मांग लिए, 5,000, 20,000 मांग लिए, इस तरह के भी एक आध मसले आए हैं। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि लॉकडाउन के दौरान चूंकि बहुत सारी दुनिया ही इस इंटरनेट पर चल रही है, इस समय सभी लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो जो इंटरनेट सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं उनको समझें और उसी हिसाब से कार्य करें, किसी के भुलावे, बहकावे और लालच में मत आएँ।